मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि जो ड्रेस मैंने बनवाई है ना वही पहनेगी गुड़िया शादी में। चल चल, वो भी कोई ड्रेस है क्या? लगता है शादी के मंडप से सीधा डिस्को जाने वाली है। तू पागल है क्या? कितनी कॉस्टली ड्रेस है पता है तुझे? मेरी पूरी पॉकेट मनी खर्च हो गई उसमें। अच्छा, पैसे खर्च होने से क्या ड्रेस महंगी हो जाएगी? सीधा दुकान में जाने का, डायरेक्ट हाथ मारने का, जो ड्रेस पसंद आए उठा कर लेकर आने का। चल चल, पैसे फेंक के जो चीजें लाने में मजा है ना, वो ताकत दिखाने में मजा नहीं है। तो देखना प्रिया, मैं अपनी शादी में बहुत कॉस्टली ड्रेस पहनूंगी। मैं तो अपनी शादी में बहुत बड़ा शौक दूंगी। मेरी शादी की न्यूज ही दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज होगी। मुझे इस ड्रेस वेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, पता मत। मोना कहाँ है? मोना जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता है या तो लेट हो जाएगी या तो मिस गायब हो जाएगी। बेटे, यही तो इंसान की जिंदगी है। उसे पता भी नहीं चलता कि कल क्या होने वाला है, क्या होगा। लेकिन मोना के साथ ही ऐसे क्यों हुआ? आप जानते नहीं, शीतल मोना से कितनी अटैच थी। अब पता नहीं क्या होगा, कैसे बर्दाश्त कर पाएगी वो इतना बड़ा दुख। मैं समझता हूँ बेटा। देखो ना बेटा, शर्मा जी ने भी तो अपनी बेटी के लिए कितने सपने संजो रखे हैं, लेकिन सारे सपने पूरे तो नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये दिन देखने को क्यों मिलता? बाबूजी, इन बातों से थोड़ी देर के लिए हम कन्विंस हो सकते हैं, लेकिन शीतल का दुख तो कम नहीं हो सकता ना बेटे। वक्त के साथ साथ इंसान अपने दुख, अपने दर्द, अपने गम सब भूल जाता है। हाँ, उसकी जिंदगी में एक पीरियड ऐसा आता है जब वो समझता है उसके जीने का कोई मकसद नहीं, वक्त वहीं थम गया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे पता भी नहीं चलता उसकी जिंदगी को जीने का एक और जरिया मिल जाता है, एक और मकसद मिल जाता है, फिर से वो सपने देखने लगता है। क्या ये सब कुछ इतना आसान है? आसान तो नहीं है बेटे, इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है। और तुम्हारी जो फ्रेंड है शीतल, वो तो बहुत पक्के और मजबूत इरादे की है। मुझे उम्मीद है बेटा वो इस दुख को बर्दाश्त कर लेगी।